क्या आपको आपके प्रिंटर से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसके पीछे प्रॉबेबली इम्प्रॉपर ई स्टेप्स ये एक रीज़न हो सकता है। तो क्या होते हैं ई स्टेप्स और उसे कैलिब्रेशन कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सो वेलकम टू रीथ्रीडिफाइन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक 3D प्रिंटिंग रिलेटेड चैनल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। 3D प्रिंटर्स को भी बाकी मशीन्स के जैसे कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। ई स्टेप्स में जो ई स्टैंड्स फॉर एक्सट्रूडर एंड जनरली ई स्टेप्स विल बी द नंबर ऑफ स्टेप्स ए स्टेपर मॉडल टेक्स टू एक्सट्रूड 1 mm ऑफ फिलामेंट। अगर ई स्टेप्स प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ना हो तो अंडर एक्सट्रूजन या ओवर एक्सट्रूजन हो सकता है, जिससे आपके प्रिंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। सो चलिए देखते हैं ई स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में कि वो क्या होता है। 3D प्रिंटर्स में स्टेपर मोटर्स होते हैं। स्टेपर मोटर्स एक फेज्ड इलेक्ट्रिक AC मोटर होता है। ये ब्रशलेस होता है जिससे वो डिफाइंड इंक्रीमेंट्स या स्टेप्स में मूव होता है, जिससे फाइन कंट्रोल मिलता है। रोटर शाफ्ट में परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और इसके बाजू में ही इलेक्ट्रिक कॉइल होते हैं जो आउटर स्टेटर से फिक्स्ड होते हैं। कॉइल्स को एक सीक्वेंस में एक्टिवेट किया जाता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और रोटर मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होने के लिए रोटेट होती है। इसी तरह अलग सीक्वेंस में कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रोटर को कंटिन्यूसली घुमाया जाता है एज नीडेड। जिस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उससे रोटर की स्पीड और पोजिशन डिफाइन होती है, और ये है स्टेपर मोटर का बेसिक ऑपरेशन। 3D प्रिंटिंग के लिए इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो। 3D प्रिंटर्स में सबसे कॉमनली यूज होने वाली स्टेपर मोटर है नीमा 17। इसका मिनिमम रेजोल्यूशन होता है 1.8 डिग्रीज, मतलब ये मोटर एक स्टेप में 1.8 डिग्रीज रोटेशन करती है, विच मीन्स कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 360/8 विच इज़ 200 स्टेप्स उस मोटर को लेने पड़ते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितने ज़्यादा स्टेप्स होते हैं उतने ही उस मोटर की एक्यूरेसी हाई होती है। डेस्कटॉप 3D प्रिंटर्स में स्टेपर मोटर्स यूज होते हैं, जबकि हायर एक्यूरेसी एप्लीकेशन मशीन्स के लिए सर्वो मोटर यूज होता है। हम सर्वो मोटर के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे। सो मूविंग ऑन, थ्योरेटिकली नंबर ऑफ ई स्टेप्स की वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए, बट और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे एक्सट्रूडर स्प्रिंग टेंशन, PTFE ट्यूब फिक्शन, नॉजल डायमीटर, वेदर द प्रिंटर इज डायरेक्ट ड्राइव और बोर्डन सेटअप, एंड इवन सम वेयर एंड टीयर ऑफ मशीन पार्ट्स आफ्टर सम यूज। इन फैक्टर्स की वजह से ई स्टेप्स को प्रॉपरली कैलिब्रेटेड रखना इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री से जब मशीन कैलिब्रेट होके आती है तो ई स्टेप्स की यूजुअल वैल्यू अराउंड 93 ई स्टेप्स पर मिलीमीटर होती है, बट ओवर टाइम इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो प्रिंटर को कैलिब्रेटेड रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे करते हैं ई स्टेप्स को कैलिब्रेट? हम इस वीडियो में 2 टाइप्स ऑफ सेटअप बताने वाले हैं। फर्स्ट इज डायरेक्टली यूजिंग योर प्रिंटर इंटरफेस एंड सेकेंड इज यूजिंग प्रिंटर फेस। सो इसके क्या स्टेप्स होते हैं? पहले चेक करें कि एक्सट्रूडर का स्प्रिंग टेंशन ठीक है, उसका नॉजल क्लीन है, फिर नॉजल को प्रिंटिंग टेम्परेचर तक हीट करें। जैसे मैं यहाँ PLA के लिए कर रहा हूँ, सो मैं नॉजल का टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस सेट करूँगा। फिर हमें फिलामेंट लोड करना है एंड मेक श्योर कि ये ऑल द वे नॉजल तक चले जाए। एक बार नॉजल हीट हो गया, उसके बाद फिलामेंट पर 100 mm या 10 सेंटीमीटर की मार्किंग कीजिए। जहाँ पे आपका फिलामेंट एक्सट्रूडर के होल में जाता है वहाँ से 100 mm, और अगर आपके पास फिलामेंट रनआउट सेंसर है तो वहाँ से, ये बस एक रेफरेंस पॉइंट है। इसके बाद हम प्रिंटर को 100 mm एक्सट्रूड करने के लिए एक कमांड देंगे और फिर चेक करेंगे कि फिलामेंट पर की हुई मार्किंग रेफरेंस पॉइंट पर आके रुक जाए। प्लस और माइनस 1 mm तक ओके है, बट अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस है तो वी नीड टू कैलिब्रेट द ई स्टेप्स। और आपका मार्क्ड पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के पीछे है, मतलब अंडर एक्सट्रूजन है। सो मार्क्ड पॉइंट से लेके रेफरेंस पॉइंट का जो डिस्टेंस मिलेगा 100 में से वो डिस्टेंस माइनस कीजिए तो आपको एक्चुअल एक्सट्रूडेड लेंथ मिल जाएगी। और अगर आपका मार्किंग पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के आगे है तो रेफरेंस पॉइंट पे एक मार्किंग कीजिए एंड
प्रीवियस मार्क पॉइंट से अभी वाले मार्क पॉइंट तक का डिस्टेंस कीजिए, फिर वो डिस्टेंस 100 से प्लस कीजिए और वो होगा आपका एक्चुअल एक्सट्रूडेड डिस्टेंस। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ ओवर एक्सट्रूजन। ये प्रोसेस 2-3 टाइम्स रिपीट कीजिए जिससे ह्यूमन एरर ना हो एंड हर बार सेम वैल्यू आ जाए। अभी हम एक फॉर्मूला देखेंगे विच इज़ एक्चुअल एक्सट्रूडेड लेंथ अपॉन इनपुट एक्सट्रूडेड लेंथ इक्वल्स टू करंट ई स्टेप्स अपॉन रिक्वायर्ड ई स्टेप्स। एक्चुअल एक्सट्रूडेड लेंथ मतलब एक्सट्रूडर में एक्चुअल कितना एक्सट्रूड किया है वो जो हमने पहले फाइंड आउट किया, एंड एंड इनपुट एक्सट्रूडेड लेंथ इज 100 mm जो हमने कमांड दिया था। इस फॉर्मूला में करंट ई स्टेप्स की वैल्यू जो है वो प्रिंटर के कंट्रोल में आपको मिल जाएंगी और जो रिक्वायर्ड ई स्टेप्स की वैल्यू को x एज्यूम कीजिए। फिर जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड ये है आपका न्यू रिक्वायर्ड ई स्टेप्स। वो वैल्यू प्रिंटर में इनपुट कीजिए एंड सेटिंग्स को स्टोर कीजिए, फिर प्रिंटर्स को स्विच ऑफ करके फिर ऑन कीजिए टू मेक श्योर कि वो वैल्यू स्टोर अच्छे से स्टोर हो गई है, एंड फिर से 100 mm का एक एक्सट्रूडर टेस्ट कीजिए एंड रिपीट दिस स्टेप्स जब तक आपको परफेक्ट एक्सट्रूजन नहीं मिलता। बट अगर आपके प्रिंटर में ई स्टेप्स का सेटिंग्स करने का ऑप्शन ना हो तो कोई बात नहीं, आप प्रिंटर फेस यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पर प्रिंटर फेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप प्रिंटर फेस डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हो बट फॉर सम रीज़न ये हमारे साथ वर्क नहीं हुआ, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप प्रूशा स्लाइसर इंस्टॉल कीजिए तो उसके साथ प्रिंटर फेस भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर प्रिंटर फेस को ओपन कीजिए और अपने प्रिंटर को यूएसबी केबल से के लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कीजिए। फिर आपको आपका पोर्ट सिलेक्ट करना है, फिर कनेक्ट के बटन पर क्लिक करना है जिससे प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन एस्टैब्लिश होने पर प्रिंटर इज़ ऑनलाइन ऐसा मैसेज आ जाएगा, एंड वंस दी कनेक्शन इज़ एस्टैब्लिश्ड आप प्रिंटर को आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे हीटिंग, एक्सट्रूजन या मूविंग योर एक्स एंड वाई एक्सिस। फिर आपको सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं जो हमने पहले एक्चुअल एक्सट्रूडेड स्टेप्स फाइंड करने के लिए यूज़ किए। फिर वंस यू गेट दी एक्चुअल एक्सट्रूडेड स्टेप्स आपको टेक्स्ट बॉक्स में M503 ये कमांड टाइप करना है जिससे प्रिंटर्स के कुछ वैल्यूज सामने आ जाएंगे। इसमें जो M92 के आगे जो वैल्यूज़ है वो X, Y और Z और एक्सट्रूडर स्टेप्स की वैल्यू होती है। आपको यहाँ जो E के आगे जो वैल्यूज़ दिख रहे हैं वो आपके E स्टेप्स की वैल्यू है, हमें उन्हें ही चेंज करना है, तो वो है आपके E स्टेप्स की करंट वैल्यूज़। यस, इस मेथड से आप X, Y, Z की भी कैलिब्रेट कर सकते हो बाय प्रिंटिंग एक्स वाई जेड कैलिब्रेशन क्यूब एंड मेजरिंग इट्स डायमेंशन। अगर आपको आपके एक्स वाई और जेड की स्टेप्स को भी कैसे कैलिब्रेट करना है अगर वो जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ई स्टेप्स की न्यू वैल्यू आपको फॉर्मूले से फाइंड करनी है। अभी ई स्टेप्स की को चेंज कैसे करते हैं, आपको जो न्यू वैल्यू मिली है वो आपको इसमें इनपुट कैसे करें, आपको बस इतना करना है कि आपको टाइप करना है M92 स्पेस E और उसके आगे ई स्टेप्स की जो रिक्वायर्ड वैल्यू आपको फॉर्मूले से मिली है वो वहाँ पे एंटर करनी है, एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। इससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर M500 कमांड इनपुट करना है जिससे वैल्यू प्रिंटर के फर्मवेयर में स्टोर हो जाएगी। फिर एक बार चेक करने के लिए फिर से M503 कमांड डालिए जिससे फिर से आपको सब वैल्यूज़ मिल जाएंगे, एंड उसके आगे M92 के आगे आपको चेक करने की ई के आगे की वैल्यू वही है जो आपने इनपुट की थी। सो वंस दी वैल्यू इज सेट आपको फिर से वो 100 mm का एक्सट्रूजन टेस्ट करना है टू सी कि एक्सट्रूजन प्रॉपरली हो रहा है, और फिर इफ़ नीडेड आप इन स्टेप्स को रिपीट कर सकते हो अनलेस यू गेट द प्रॉपर एक्सट्रूजन। सो ये थे स्टेप्स हाउ टू कैलिब्रेट योर ई स्टेप्स। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है सो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई न्यू वीडियो मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।